नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। ओके, तो समझते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। ठीक है, सुना सुना ऐसा लग रहा है, लेकिन समझते हैं कि साइंस में हम सैटेलाइट किसे कहेंगे, हम किस चीज़ को सैटेलाइट कहेंगे या किस चीज़ को सैटेलाइट नहीं कहेंगे। ओके, तो कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा है जिसका मास उस ऑब्जेक्ट के मास के कंपेयर में क्या है, बड़ा है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट अपने मास के कंपेयर में किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है, तब हम उस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, उस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट बोलेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मून होती है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है और जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। सिमिलरली जो भी प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे के सारे प्लेनेट हमारे सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, नाभिक के चारों ओर यानी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी हमने मून, अर्थ, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, या फिर कोई प्लेनेट सोलर सिस्टम का, ये सब क्या है, एक टाइप के सैटेलाइट हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहे हैं जिनका साइज या जिनका मास इनके मास के कंपेयर में क्या है, बड़ा है। तो ये सब के सब क्या कहलाए, सैटेलाइट कहलाए। ठीक है, और जो ये सैटेलाइट आए कहाँ से आए, ये नेचर ने हमको दिए, तो हम इन सैटेलाइट को क्या नाम देते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो नेचर से हमको मिले, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो नेचर ने हमको दिए और वो किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, नेचुरल सैटेलाइट बोल देंगे। ठीक है, जैसे मून क्या है, वो अर्थ का सैटेलाइट है। सिमिलरली जो अर्थ है वो किसका सैटेलाइट है, सन का सैटेलाइट है। कैसे है, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। उसी प्रकार जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो हमारे सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, हमने साइंस में बहुत ज़्यादा उन्नति की, हमने साइंस में नए नए आविष्कार किए, नई नई डिस्कवरी की। तो 1957 में, यानी 1957 में रशिया ने आदमी के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजा। किसने? रशिया ने, रशियन लोगों ने, या रशियन साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार 1957 में अर्थ से एक सैटेलाइट कहाँ भेजा, अर्थ के ऑर्बिट में भेजा। यानी वो हमने यहाँ से उसको भेजा और वो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यानी ऐसा सैटेलाइट या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जो, या फिर ऐसा सैटेलाइट जो किसके द्वारा बनाया गया हो, आदमी के द्वारा बनाया गया हो या मैन मेड हो, उस सैटेलाइट को हम क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इस बेस पर हम सैटेलाइट को दो टाइप से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या हुए, जो हमको नेचर ने दिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हुए, जो आदमी ने बनाए। और सबसे पहला सैटेलाइट किसने बनाया, रशियन साइंटिस्ट ने बनाया, यानी रशिया के लोगों ने बनाया। और कब बनाया, 1957 में बनाया। लेकिन हमारा भारत भी इसमें कोई पीछा पीछे नहीं है। भारत ने भी अपना पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट के नाम से बनाया। यानी जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उसने अपना पहला सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर या अर्थ के ऑर्बिट में कब भेजा, 1975 में भेजा। और अभी तक भारत 2017 तक भारत 100 से ज़्यादा सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में या अर्थ के चारों ओर भेज चुका है, या अर्थ के ऑर्बिट में भेज चुका है। और ये जो हमारे लिए क्या है, बहुत खुशी की बात है। नाउ ये तो हो गए हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ये नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम दो तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इन दोनों पर बात करने के लिए हमको अलग वीडियो चाहिए, तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे किस पर, पोलर सैटेलाइट पर, और एक अलग से वीडियो बनाएंगे किस पर, जियो सैटेलाइट पर, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इन सैटेलाइट का यूज क्या है, क्यों हम इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, या फिर सॉरी अर्थ के चारों ओर क्यों साइंटिस्ट ने सैटेलाइट को भेजा, तो ये क्या है उनके यूज है।
तो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है, हम सब देखते हैं कि पर्थ में या ऑस्ट्रेलिया में या जब इंग्लैंड में जब मैच होता है तो हमको उसका सीधा प्रसारण अपने घर में बैठे हुए या हिंदुस्तान में हम बैठ के किसी भी कोने में बैठ के देश के या विश्व के किसी भी कोने में बैठ के हम उस मैच का सीधा सीधा प्रसारण देख सकते हैं या सीधा सीधा ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ कहाँ होता है? रेडियो कम्युनिकेशन में होता है, टीवी कम्युनिकेशन में होता है, टेलीफोन सिग्नल में होता है। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे विदेश बातें कर लेते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? इन सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। दूसरा जो इसका यूज है, इन फोरकास्टिंग वेदर। हमने सुना है आए दिन टेलीविजन में न्यूज आती है कि 15 तारीख को बारिश होगी या फिर 2 दिन बाद बारिश होगी। ये हमको कैसे पता चलता है? या फिर जो भी मतलब आंधी आएगी, तूफान आएगा, इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? ये कौन बताते हैं हमको? ये जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर भेज रखे हैं वो हमको बताते हैं कि हाँ अब ये होने वाला है। वो हमको डाटा देते हैं और उस डाटा पर बेस जो साइंटिस्ट है वो डाटा को देखते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं कि हाँ अब ऐसा होगा। यानी अब आपका वेदर इस तरीके से चेंज होगा, ठंड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इतनी गर्मी होगी या फिर कल का तापमान इतना रहेगा, कल सुबह का तापमान इतना रहेगा। ये सब हमको कौन बताती हैं? ये सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया डेटा बताता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है, इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर के अपर रीजन की स्टडी करने में ये काम आती है, जैसे ओजोन लेयर की स्टडी करने में। हम कहते हैं ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है, ठीक है। तो उसका डेटा हमको कौन देती है? सैटेलाइट देती है कि कब रेडिएशन ज़्यादा पास हो रहा है ओजोन लेयर से, कम कब कब कम पास हो रहा है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ओनली बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट। और एक और इम्पोर्टेंट है, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, जो हमने सैटेलाइट वहाँ भेज रखा उसमें हमने कैमरा लगा दिया, तो उस कैमरे ने क्या की, अर्थ की फोटो खींची। तो अर्थ की फोटो खींचती तो हमको पता चला कि अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो एक संतरे की तरह है, या फिर वो उसका शेप कैसा है, लगभग इलिप्स की तरह है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पता चला हमको? इन सैटेलाइट की वजह से। इसके और भी यूज हो सकते हैं, वॉर के समय हम सैटेलाइट पे जो हमने कैमरे लगे हैं उन कैमरे की हेल्प से देख सकते हैं कि जो हमारे एनिमी हैं वो कहाँ हैं, या फिर एनिमी के जो बंकर हैं वो कहाँ हैं, उनके हथियार कहाँ रखे हुए हैं। इसकी हेल्प से भी हम, क्योंकि हम सैटेलाइट से क्या कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, तो हम एनिमी के घर का या एनिमी के ठिकानों का पता कर सकते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है हमारे जीवन में इनका बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्व है। अगर ये इतने महत्वपूर्ण हैं तो इनके बारे में जानना क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज से आगे आने वाली वीडियो में हम यही देखेंगे कि सैटेलाइट को हम कैसे अर्थ के चारों ओर भेजते हैं, जब अर्थ के चारों ओर जाती हैं, जब इसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, ये एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेते हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर हमको एक सैटेलाइट यहाँ से भेजना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये सब आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये क्या था आज, थोड़ा बहुत सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।